जहां तक नमाज का जिक्र है तो वो तो मक्की सूरतों में उसका बेतहाशा मरतबा जिक्र मौजूद है, लेकिन यहां जो है मामला सौम, इससे पहले मक्की दौर में सौम का कहीं कोई तस्करा ही नहीं, न अरबों में इसका रिवाज था। यह लफ्ज़ भी अरबी जबान में था घोड़ों के लिए, घोड़े रोजा रखते थे। रखते क्या थे बेचारे, उन्हें रखवाया जाता था, क्योंकि अरबों का जो मामला था वो लूट मार भारतगरी, और उसके लिए उन्हें चाहिए तेज रफ्तार सवारी, जाओ हमला करो लूटो मारो और भागो। ऊंट जो उनकी फिजा और उनके माहौल के लिए मुनासिब था, वो ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकता, अपनी इस जरूरत के लिए घोड़ा चाहिए था। घोड़े में अरब का सख्त मौसम बर्दाश्त करने की आदत नहीं, नाजुक जानवर है, वो प्यासा तो नहीं रह सकता 7 दिन तक जैसे कि ऊंट रह सकता है, भूखा नहीं रह सकता, वो लू के थपेड़े नहीं बर्दाश्त कर सकता। लिहाजा अरब उसको रखवाते थे रोजा, खाना पीना बंद किया और उसके जो है मुंह करके खड़े हो गए जब गर्म तेज हवा चल रही है, खुद तो अपने आप को लपेट लिया अपने गुतरे में, गुतरा कहलाता है वो जो भी कपड़ा ऊपर होता है, और वो उस घोड़े को जो है वो सारी आग उस पर बरस रही है ताकि इसमें आदत पैदा हो जाए झेलने की बर्दाश्त करने की। तो जंग के मौके पर कहीं ये दगा ना दे जाए, अगर ये हिम्मत हार गया तो उसका तो क्या गया जाएगा, तो असल में सवार है जो मारा गया। ये रोज़ा उनके हाथ था, लेकिन जब हुजूर आए मदीने में तो यहाँ यहूद में रोज़े का रिवाज था। वो एक तो आशूरा का रोज़ा रखते थे, इसलिए कि वो तारीख थी जिसमें कि निजात मिली थी बनी इसराइल को फिरौनियों से। पहले यह कि हर महीने में 3 रोजे, अब अगर 30 के 30 रोजे एक ही महीने में फर्ज कर दिए गए होते और वो होते जून जुलाई के तो जान निकल जाती। बेहतरीन तदबीर यह की गई हर महीने में, और ये मौसम सारे आ रहे हैं उसमें। फिर कुछ अरसे के बाद ये रमजान का रोजा फर्ज किया गया। पहला जो रोजा था 3 दिन का, उसमें यह भी थी इजाजत कि जो अगर चाहे मुसाफिर नहीं है, बीमार भी नहीं है, ताकत रखता है रोज़ा रखने की, फिर भी रोज़ा न रखे तो उसका फिदिया ये है कि एक मिस्कीन को खाना खिलाए। अलल इतलाक था ये। जब रमज़ान के रोज़े की फर्जियत हो गई तो अब ये फिदिया नहीं है, अलबत्ता हुजूर ने इसको बाकी रखा ऐसे शख्स के लिए जो बहुत बूढ़ा है, या कोई खातून बहुत बूढ़ी है बर्दाश्त नहीं कर सकती, या कोई बीमार है किसी सख्त ऐसी बीमारी में है कि रोज़ा उसके लिए जान के लिए हलाकत का अंदेशा हो सकता है, उसके लिए फिदिया बरकरार रखा। आम तौर पर सेहतमंद शख्स भी मुसाफिर भी ना हो उसके लिए ये रियायत ख़त्म हो गई।